बढ़ रही जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने पहल कर सख्ती दिखाई और लगातार दूसरे दिन भी रोहतास के सासाराम में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान खासकर स्थायी अतिक्रमण को हटाने पर जोर दिया गया। नगर परिषद के सिटी मैनेजर अमित सहाय के नेतृत्व में सड़क पर फुटपाथ की दुकान लगाकर जाम पैदा करने वाले लोगों को हटाया गया। साथ ही हिदायत दी गई कि आगे से सड़क पर फुटपाथ पर दुकान न लगाएं। कार्यपालक पदाधिकारी सासाराम के आदेशानुसार नगर परिषद क्षेत्र के मेन रोड से डीटी रोड से अतिक्रमण को अस्थायी अतिक्रमण जो है जैसे ठेला वाला या ऑटो वाला जो रोड पे लगाए हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि अपना। बता दें कि कल भी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया था। साथ ही इस दौरान दुकानदारों में खलबली मच गई।